चुनावी मौसम के बीच शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीतापुर जिला जेल में आजम खान से मुलाकात की। जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश ने आजम खान को लेकर अपना पक्ष रखा और सरकार में कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने आजम परिवार के साथ अन्याय होने की बात कही, साथ ही आजम को लेकर सरकार पर उनके साथ अमानवीय हरकतें करने का आरोप लगाया। कहा, हमें उम्मीद है जल्द उन्हें न्याय मिलेगा। अखिलेश जी, क्या बात हुई? मैं अभी मिलकर के आ रहा हूँ। हाँ। और जेल तो जेल ही होती है जी, और अकेलेपन में कोई रहे जी, और जेल की अपनी परेशानियां होती हैं तो वो तो फेस करनी पड़ती हैं। और हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, अरे बोलो मत, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। अखिलेश ने इसी के साथ कहा, जब पूरे परिवार को सजा मिली है तो सबको अलग अलग क्यों रखा गया है? ऐसा होते हमने कहीं नहीं देखा। परिवार को साथ रखना चाहिए था। बीजेपी वाले झूठा केस लगाने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा, अरे शांत रहो, क्या परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा होगा? कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में हैं, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? और वो भी झूठे मुकदमे लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं, ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे झूठे मुकदमों का। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। कहा, डेटा सामने आने के बाद बीजेपी की बैंड बज गई, बीजेपी की चोरी पकड़ी गई। इसके अलावा अखिलेश ने 2024 में पीडीए की जीत का दावा ठोका। जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया जी, उसकी वजह से आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। सर पल्लवी देखिए, ये पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। सर पल्लवी, पीडीए से घबराई हुई है सरकार। बीजेपी को लेकर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, अभी बीजेपी का समय बलवान है, पर वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली जी। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे जी, समय से ज्यादा बलवान नहीं है, और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कि उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से, कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार, और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। अखिलेश ने इस तरह से जहां आजम खान से मुलाकात कर रामपुर सीट को लेकर, प्रत्याशी को लेकर चर्चा की, तो वहीं बीजेपी पर भी हमलावर होने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।